रोती बिलखती महिलाएं हर तरफ मातम। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के पावटी गांव की है, जहां के गन्ना किसान सेंसर पाल ने खुदकुशी कर ली। उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए बैंकों से कर्ज लिया था, लेकिन चीनी मिल से गन्ने के बकाया 5 लाख रुपए का भुगतान न होने से सेंसर पाल बैंकों का ये कर्ज नहीं चुका पा रहे थे। इसी के चलते वो तनाव में रहते थे। बैंकों का फर्ज था, पेमेंट दे नहीं रहे, शादी के लिए दे दे, लड़की की शादी पर 4 से 5 लाख के लगभग था और उनकी केसीसी जमा नहीं हो पा रही थी, इस वजह से टेंशन में थे। बहुत खेत पे गए हुए थे और उन्होंने पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। परेशानों को कर्ज से परेशान किसान की आत्महत्या की खबर फैलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हम लोग ये जांच कर रहे हैं कि कारण क्या थे और उसको हम लोग किस स्तर से सरकार की तरफ से क्या क्या मदद दी जा सकती है। अभी मैं उसकी पूरी जांच करा रहा हूं कि कहां कहां पे है, और अगर शुगर का मिल का भी बकाया हो तो उसके लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे उनको कराने के लिए। कर्ज वसूली के दबाव ने बुंदेलखंड के बाद अब गन्ना किसानों को चपेट में लेना शुरू कर दिया है। ये न केवल गन्ने के बकाया भुगतान की गंभीर होती समस्या को उजागर कर रहा है, बल्कि किसानों से कर्ज वसूली को लेकर बैंकों की मौजूदा नीति को भी कटघरे में खड़ा कर रहा है। यूपी के हापुड़ से चरणजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।